बिहार शरीफ सदर अस्पताल में एक अजीबोगरीब घटना घटी है। सोमवार को सफाई कर्मी ने सूचना दिया कि सुबह से ही पहले मंजिल स्थित शौचालय का दरवाजा अंदर से बंद है। कर्मी की सूचना पर नगर थाना पुलिस को भी सूचना दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस जब कर्मियों की मदद से दरवाजा तोड़ी तो अंदर एक युवक फर्श पर गिरा हुआ था। पुलिसकर्मी या कोई स्वास्थ्य कर्मी नब्ज टटोले उसे मृत समझ लिया। धीरे धीरे शौचालय में शव मिलने की खबर अस्पताल में आग की तरह फैल गई। पुलिस भी उसे बाथरूम से निकलने से पहले एफएसएल टीम का इंतजार कर रही थी। पुलिसकर्मी या कोई स्वास्थ्य कर्मी नब्ज टटोले उसे मृत समझ लिया। धीरे धीरे शौचालय में शव मिलने की खबर अस्पताल में आग की तरह फैल गई। पुलिस भी उसे बाथरूम से निकलने से पहले एफएसएल टीम का इंतजार कर रही थी। जैसे ही युवक के कानों तक यह बात पहुंची वह उठ खड़ा हो गया, जिसके बाद सिविल सर्जन भी हक्का बक्का रह गए। जिसने भी यह जाना वह हंसते हंसते लोटपोट हो गया। दरअसल युवक अस्थावां थाना क्षेत्र के जिराइन पर गांव निवासी राकेश कुमार है। वह सदर अस्पताल में दवा लेने गया था। राकेश कहाँ घर है? कौन के बट तो कहबो के लगत के नाम जिराइन पर। जिराइन पर ते यहाँ कोची कर लाए थे? दवा लेवे ले सर। तो गिरे कैसे? गिरे निशाना गिरे थे। कोची पिए थे? कौची कोई नहीं जैसे आप ही तो गिर नहीं जा। तुम्हारे कौची पी लिए थे? कुछ नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस का इतना परेशान खड़ी कर दिए? आप लोग जो भी कहिए हम परेशान है। बाथरूम में शायद बिहारा के स्नान करने के लिए गया था। पानी तो रखा हुआ है, नल पर मिस खोल के रखा हुआ है। आप पानी तो गंजी पर है और चिट्ठे के लिए आप क्या हाथ टूट करके क्या हुआ पहचान नहीं हुई है? पहचान डॉक्टर साहब बोले कि पहचान पूरे हॉस्पिटल बोल दिए कि कोई नहीं कह रहा कि मेरे घर का नहीं पता चल रहा है कि मतलब चर्चा की हत्या उत्या करके ला के फेंक दिया थी ना। ऐसा कोई बात नहीं, अब निकालने पर उसमें से पता लगे कि हाँ कहीं दाग है या नहीं है, निकालने पर उसमें से पता लगे। बात आप लोग बिहार थाना बिहार थाना